होया है। अरे आ गए आप लोग, तो भैया वेलकम है जी, वेलकम। आज हमारे पास जो बुक आई है उसका नाम है द बेस्ट सेरेंडिपिटी ऑफ माई लाइफ बाय श्वेतांग तेलांग। बहुत बढ़िया आदमी है और म्यूजिशियन है। अब म्यूजिशियन नोवेल लिख रहा है तो कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा ही, तो इसी इंटरेस्टिंग को आज हम लोग देखेंगे ऑथर्स ब्लॉग के वीडियो रिव्यू चैनल पर। करते हैं इस बुक के फर्स्ट लुक की। फर्स्ट लुक में जो सबसे चीज़ पहले आपको दिखाई देगी वो है कवर। कवर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और स्टोरी से रिजेंबल करता है। स्टोरी आपको इसमें कुछ कुछ मतलब दिखाई पड़ जाएगी। फिर आते हैं इसके बैक कवर पे। बैक कवर में इन्होंने एक इनोवेशन किया है, इसमें ब्लर्ब नहीं है, ब्लर्ब की जगह एक शॉर्ट पोएम है। उस पोएम में इन्होंने सब कुछ बता भी दिया है स्टोरी के बारे में और कुछ भी नहीं बताया। इससे आपको इंजीनियस राइटर की पहचान होती है। अब श्वेतांग के बारे में बताया गया है कि ये MBA डिग्री होल्डर हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, इंजीनियर हैं, गिटार बजा लेते हैं, कीबोर्ड बजा लेते हैं, मैंडोलिन, फ्लूट, हारमोनी। अरे भैया बहुत कुछ कर लेते हैं ये तो। चलिए फिर इनकी बुक का रिव्यू करते हैं। आते हैं इस बुक के रिव्यू पर। इस बुक में आपको सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, इट्स नॉट अ फिक्शन बुक। ये श्वेतांग की अपनी खुद की रियल स्टोरी है, रियल लव स्टोरी है। तो आते हैं स्टोरी पर। श्वेतांग एक अपने कॉलेज लाइफ से शुरू करते हैं स्टोरी को, द ब्यूटीफुल कॉलेज लाइफ ऑफ श्वेतांग। ये अपने कॉलेज के रॉक स्टार थे और उनका एक पूरा बैंड था जिसमें इनके गाने को लेके और इनकी कंपोजिशन को लेके काफ़ी लोग दीवाने थे, काफ़ी लड़कियां दीवानी थी, और उन्हीं दीवानों में से एक थी जील, द लव ऑफ हिज लाइफ। जील भी एक एस्पायरिंग सिंगर थी और कह सकते हैं कि एक म्यूज़िक ही इन दोनों में ऐसा बॉन्ड था जो इनको करीब लाता है। इसीलिए हो सकता है इस बुक का जो सब टाइटल रखा गया अ म्यूज़िकल लव स्टोरी, क्योंकि म्यूज़िक ही एक ऐसी चीज़ है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है। अब क्योंकि एक ये फिक्शन बुक नहीं है तो आप इसको फिक्शन बुक के ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें नहीं पाएंगे, लेकिन क्योंकि एक रियल स्टोरी है तो आप प्रोटोगोनिस्ट के साथ काफ़ी अच्छा कनेक्ट करते हैं। जो इमोशंस, जो फीलिंग लव स्टोरी में होने चाहिए वो पूरे भरपूर इस बुक में है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि राइटिंग स्टाइल थोड़ी और अच्छी हो सकती थी या मैं ट्विस्ट एंड टर्न्स को मिस कर रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक सिंपल सा फ्लो है लव स्टोरी का जो कि आपको डुबा देता है इस स्टोरी में, यही इसकी खासियत है। अब जो कि मैं बोल रहा हूँ कि इस बुक में सिंपल चीज़ है, ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, तो फिर आप क्यों पढ़ें इस बुक को, इसमें से क्या खास है? तो ख़ास है इसकी एंडिंग। इसकी एंडिंग कुछ अनएक्सपेक्टेड सी है, लेकिन मैं उसके बारे में ज़रा सा भी डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वो रिवील हो गई तो फिर स्टोरी में कुछ खास नहीं रह जाता है। तो मैं इस चीज़ को छुपा के रखता हूँ इस वक्त, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एंड में ये स्टोरी आपको इमोशनल तो कर ही देती है। और इस बुक में जो श्वेतांग ने काम किया है इस बुक के लिए, यूट्यूब पर 3 गाने डले हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और मेरी गारंटी आपको अच्छे लगेंगे। आप उन्हें इन लिंक्स पे जाके देख सकते हैं। इसके हाइलाइट्स पर, हाइलाइट्स में मैं सबसे पहले चीज़ बोलूँगा, इसका कवर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेकंड चीज़ जो इसका राइटिंग स्टाइल है, सिंपल यट इफेक्टिव। थर्ड चीज़ है कैरेक्टराइजेशन। क्योंकि एक रियल लव स्टोरी है तो आप इनके कैरेक्टर्स के साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और ये आपको इमोशनल करते हैं, फीलिंग्स में डुबा देते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है इस बुक को पढ़ते हुए। अगली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो है इसकी पोएट्री और कंपोजिशन काफ़ी अच्छी है, वो सुनने में और मतलब पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें कई सारे इवेंट्स को बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ जोड़ा गया है, वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं बताई गई हैं लेकिन वो काफ़ी अच्छी लगती हैं, एक फ्लो में स्टोरी चलती है। तो इसके हाइलाइट्स यहीं तक। अब सेटबैक्स, नाउ टॉकिंग अबाउट द सेटबैक्स। आप फिक्शन लवर हैं, आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स चाहिए तो ये बुक आपके लिए नहीं है। इसमें श्वेतांग ने अपनी स्टोरी बताई है केवल, और ये नहीं चाहते हैं कि उस चीज़ को कोई बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, जो चीज़ थी वो है बस। तो फाइनल वर्डिक्ट है, मैं इस बुक को दूंगा 3.5 स्टार्स। मुझे ये लगता है कि अगर आपको रियल स्टोरी पढ़नी है
और फिक्शन नहीं पढ़ते हुए जानना है प्यार क्या होता है असली, तो ये बुक आपके लिए बनी है। और अगर आप फिक्शन लवर हैं तो फिर आपको ये थोड़ी सी डिसअपॉइंट करेगी बुक, लेकिन इनकी कंपोजिशन बहुत अच्छी है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब पर जाके इनके वीडियोज़ ज़रूर देखें। साइनिंग ऑफ, संदीप शर्मा फ्रॉम द ऑथर।